कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या आता है एनी थिंग एनी कमोडिटीज दट आर कंज्यूम्ड बाई रिटेल कंज्यूमर्स, दट आर कंज्यूम्ड बाई हाउस होल्ड तो हाउस होल्ड जो कंजन करते हैं वो कमोडिटीज इंक्लूड होती है सीपीआई में एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स में प्राइस एट द होलसेल लेवल एट फैक्ट्री गेट प्राइसेस या जिन कमोडिटीज की बल्क ट्रेडिंग होती है होलसेल लेवल पे नॉट हाउसेस बट लेवल पे

पहले हमने समझ लिया क्या क्या कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं इन दिस सीपीआई में सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती है मिसलेनियस कैटेगरी में आता है एजुकेशन टूरिज्म तो ये सर्विसेज सीपीआई में अंडर मिसलेनियस कैटेगरी होती है सबसे ज्यादा वेटेज है फूड एंड बेवरेजेस की दीज आर दू थ्री वी हैव टू पॉइंटर टॉकिंग अबाउट कोर इन्फ्लेशन एक और कॉन्सेप्ट है कोर इन्फ्लेशन का कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है वेन यू एक्सक्लूड फूड

मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी या जो मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आएंगी उनमें भी या तो कैलिब्रेटेड विड्रॉल स्टांस होगा या फिर मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग होगी वाई बिकॉज इन्फ्लेशन हैज अगेन बिन इंक्रीजिंग एंड इट इज मोर दैन द टू टू सिक्स परसेंट बैंड अब अगर आप ये इन्फ्लेशन देखेंगे दिस इज थ्री मंथ हाई मीन्स इन नवंबर एंड दिसंबर इट वॉज डिक्रीजिंग इट वॉज डिक्रीजिंग इन नवंबर इन इन दिसंबर इट वॉज मार्जिनली बिलो द टू टू सिक्स

गेट कोर इन्फ्लेशन अब कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है दिस है सिक्स परसेंट मार्क जिसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है इन डिसाइडिंग द मोनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ठीक है सो कोर इन्स परसेंट फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो द फूड हमने प्राइसेस देखे थे इट वॉज फोर्टी फाइव मोर देन फोर्टी फाइव परसेंट वेटेज थी फूड की राइट मोर देन फोर्टी फाइव परसेंट वेटेज इन दीपीआई तो अगर हम फूड इन्फ्लेशन देखें सीपीआई इन फूड

सर्विसेज इन्फ्लेशन अब ये फूड इन्फ्लेशन जो है ये इतना हाई क्यों है सारे फूड आइटम्स बीट सीरियल एग मीट एडिबल ऑयल इन सब में प्राइस राइज हुआ है दैट इज फूड इन्फ्लेशन हैज हाई सर्विसेज इन्फ्लेशन जिसमें हेल्थ केयर एजुकेशन टूरिज्म सेक्टर आता है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन रिक्रिएशन ये भी हाई रहा है फाइव मंथ हाई ऑफ सिक्स टू वन परसेंट एंड इट हैज इंक्रीज फ्रॉम सिक्स पॉइंट परसेंट तो सर्विस इन्फ्लेशन बढ़ा है फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है जिसकी वजह से CPI बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, ओके, फूड कमोडिटीज फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स फूड फ्रूट्स पल्स एडिबल ऑयल मीट एग इन सब में सीरियल्स इन सब में राइज हुआ है प्राइस दैट इज वाई सी पी आई एंड फूड इनफ्लेशन सो दिस इज द डेटा For December, it 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 was which was was which marginally below the the band. But this time, is is has increased. And talking about the food inflation, it is Previously, अगर रिसेंटली आपका एग्जाम होता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉकिंग अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स अब होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आते हैं कितना बड़ा है या कम हुआ है तो होलसेल लेवल पे जो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं एट द होलसेल लेवल जो बल्क में ट्रेडिंग होती है होल जिस प्राइस पे परचेस करते हैं उनकी मैपिंग होती है इन दिस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स ये कौन लेके आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर यू विल टेल मी वॉट इज द बेस ईयर फॉर दिस तो बेस ईयर आप बताएंगे लास्ट मंथ ही हमने डिस्कस करा था होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या बेस ईयर है टॉकिंग अबाउट अब इस इंडेक्स में कितनी कैटेगरीज ऑफ कमोडिटीज होती है थ्री the first one is primary articles manufactured products and food and fuel and power primary articles manufactured products fu fuel and power A primary articles may we have food and non-food items and also minerals primary articles may we have minerals food items non-food items manufactured products may we have food manufactured products and non-food manufactured products अगर हम इसका फूड आइटम्स लें और इसका फूड आइटम्स लें प्राइमरी फूड आइटम आइटम्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में फूड आइटम्स सो वी गेट फूड इन्फ्लेशन इन WPI फूड इन्फ्लेशन इन WPI अब देखते हैं इसकी परसेंटेज क्या है प्राइमरी आर्टिकल्स हैव 23% वेटेज सबसे ज्यादा वेटेज होती है मैन्युफैक्चर्ड प्राइसेस में तो अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो मींस प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीजिंग विच मीन तो अगर मैनुफैक्चर प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो इनके कॉस्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल देन इट विल हैव हाई इंपैक्ट ऑन डब्ल्यू पी आई डब्ल्यूपीआई बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा सिमिलरली अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइस डिक्रीज हो ठीक है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स डिक्रीज हो रहे हो दैट विल डिक्रीज द होलसेल प्राइस इंडेक्स हमने सीपीआई में देखा था फूड एंड बेवरेजेस का बहुत ज्यादा वेटेज था तो अगर फूड में बहुत ज्यादा राइस हो इफ देर इज राइस इन प्राइसेस ऑफ फूड कमोडिटीज फूड एंड बेवरेजेस देन सीपीआई बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा सिमिलरली अगर डिक्रीज हो तो सीपीआई डिक्रीज करेगा सिमिलरली मैन्युफेक्चर प्रोडक्ट्स में या रॉ मटीरियल कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी दिस विल इंक्रीज होलसेल प्राइस इंडेक्स

डब्ल्यू पी आई इज फोर पॉइंट जो बेस है वो बहुत कम होता फॉर एग्जाम्पल अगर बेस फोर परसेंट या थ्री परसेंट होता तो थोड़ा साई बेस so, था वजह से दिस टाइम देयर इज एन इंक्रीज डिक्रीज ओके ओके सो एंड ऑल्सो कीजिंग ऑफ प्राइस प्रेशर फ्रॉम कूल एंड मैनुफेक्चर प्रोडक्ट सो मैनुफेक्चर प्रोडक्ट्स लाइक आई सेड मैनुफेक्चर प्रोडक्ट में अगर डिक्रीज आएगा डब्ल्यूपीआई भी डिक्रीज होगा सो दिस टाइम डब्लू हैज आई लो एट फोर पॉइंट समझ गया फूड इंफ्लेशन अभी हमने बात करी थी प्राइमरी आर्टिकल्स में से फूड लेंगे एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में से फूड लेंगे जिसकी वजह से डब्ल्यू पी आई थोड़ा सा बड़ा है फूड हैज रीजन टू टू पॉइंटेंट लास्ट टाइम इट वॉज माइनस वन पॉइंट परसेंट अब ये कैसे इंक्रीज हुआ है ठीक है इन चीजों में वीट एंड सीरियल्स इनमें डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ है इनमें डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ है जिसकी वजह से डब्ल्यूपीआई थोड़ा सा बड़ा है बट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में डिक्रीज आया है दैट इज वाई डब्ल्यू पी आई इज लो दिस टाइम ओके एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का अगर हमने देखा था मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा था बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मैन्युफेक्चर्ड प्रोडक्ट्स देर इज अ डिक्रीज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स हाउएवर फूड इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो वो इंक्रीज हुआ है एंड वीट एंड बहुत बड़ा कॉज है ट्वेंटी okay. अब कोर इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं जब फूड एंड फ्यूल वॉलिटाइल आइटम्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं वी गेट कोर इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन में क्या इंपैक्ट आया है इट इज टू पॉइंट एट परसेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड इट वॉज थ्री पॉइंट टू परसेंट इन द मंथ ऑफ डिसंबर इन जनवरी इट इज टू पॉइंट एट परसेंट एंड Uh, in December it was 3.2%. This is core inflation. Okay, so again, core inflation has reduced from uh, the previous month. Talking about primary articles, we have three categories. Dekhi thi. Primary articles, manufactured products, and food and fuel. Fuel and power. Sorry. Primary articles, manufactured products, fuel and power. Primary articles ka weightage is 22.62%. Primary articles mein minerals are food items and non-food items. Minerals may increase aaya hai 2%. फूड आइटम्स में वन परसेंट एंड फ्यूल आर्टिकल्स में जीरो पॉइंट नाइन परसेंट इसकी वजह से प्राइमरी आर्टिकल्स थोड़ा सा डिक्रीज ओके टॉकिंग अबाउट फूड एंड फ्यूल दिस डिक्लाइंड फ्यूल एंड पावर सॉरी टॉकिंग अबाउट फ्यूल एंड पावर दिस हैजिक्लाइंस ग्रुप विच इज इन टोटल डिक्लाइंसेंट वन परसेंट

अब पी आई एंड सी में डाइवर्जेंस क्यों है सीपीआई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंक्रीज हुआ decrease हुआ है में बहुत ज़्यादा हुआ है एंड द वेटेज ऑफ फूड इन सी पी आई इज फोर्टी परसेंट मोर देन WPI इट इज ट्वेंटी फोर परसेंट जिसकी वजह से अगर फूड आर्टिकल्स बढ़ेंगे भी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां होगा सीपीआई में सबसे ज्यादा इंपैक्ट सीपीआई में होगा। टॉकिंग अबाउट फ्यूल फ्यूल का यहां पे परसेंटेज ज्यादा है एंड सीपीआई में कम है ओके okay. दूसरा रीजन इसका यह है कि डब्ल्यूपीआई में अभी हमने पढ़ा था देयर वाज हायर बेस बेस ज्यादा होने की वजह से द प्रीवियस टाइम देयर वाज मोर इन्फ्लेशन दैट इज व्हाई थोड़ा सा भी अगर डिक्रीज होता है इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिक्रीज और इट सीम्स लाइक इट हैज डिक्रीज्ड अ lot सो द डाइवर्जेंस बिटवीन रिटेल एंड था एंड मैनुफेक्चर्ड सेगमेंट अभी हमने पढ़ा मैन्युफैक्चर सेगमेंट का सबसे ज्यादा रोल है सबसे ज्यादा वेटेज

This is happening फॉर द सेकेंड टाइम इंपॉर्टेंट डेटा इससे पहले ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हुआ था इससे पहले जिसकी थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। की थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। दिस टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इसकी थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज

ठीक है, so, uh, इस का ये था कि को uh, प्रोवाइड करी जाए। Let's look at certain statements और तो so, सबसे पहले इनोवेटिव इजी टू यूज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू डिफरेंटली एबल डिफरेंटली एबल को एक्सेसिबल डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज मिल पाए वॉट आर दीज दिव्यांग इनको पहले विकलांग बोला जाता था नाउ they are called as divyang divyang means div divine body or div divine human beings so to get to give digital financial services digital banking services to differently able and give them accessible financial services digital services to the differently able this was one of the aim of harbinger 2023 scale our regtech solutions what is regtech regtech includes regulatory and technology

सीबीडीसी like पढ़ा था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो की रिटेल और होलसेल दोनों पे वर्क करेगी सो दिस टाइम रिटेल में वर्क करने के लिए रिटेल ट्रांजेक्शन कैसे आपके लिए सोल्यूशंस लेके आए टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन फॉर सीबीडीसी रिटेल ट्रांजेक्शन रिटेल ट्रांजेक्शन

एंड एंटीटीज तो इंडिविजुअल एंटिटीज कोडर्स कंपनी टूवर्ड्स फाइनेंशियल सोल्यूशन देर एंड प्रोवाइड इनोवेटिव सोल्यूशन इनोवेटिव सोल्यूशन राइट फॉर एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन द स्पेसिफाइड एरिया थ्रू प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है देन इट इज अम्पिटिटिव इवेंट लाइक ए सेट कॉम्पिटिशन होगा वेयर पार्टिसिपेंट सबमिट आइडिया प्रोटोटाइप बनाएंगे सोल्यूशन लेके आएंगे किसके लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल सर्विस

वेटेज ऑफ फुल पी आई नो फ्यूल की वेटेज डब्ल्यू पी आई में ज्यादा होती है कॉस्ट फोर पुश इन्फ्लेशन इंपैक्टीआई मोर दैन इट इम्पैक्ट सीपीआई करेक्ट सीपीआई में मोस्टली डिमांड होती है इट इम्पैक्ट मोर टू सीपीआई इट डेफिनेटली इंपैक्ट सीपीआई वेल बट इट इम्पैक्ट मोर टू डब्ल्यू पी आई ओके सो द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर इन करेक्ट थर्ड वन इज करेक्ट रिसेंटली मंथ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री

रिड्यूसिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स नो जब रेपो रेट इंक्रीज होता है जब मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग होती है तब द एम इज की क्रेडिट कॉस्ट या बोरोइंग ताकि डिमांड कम हो जाए रॉन्ग इट रिड्यूसिज द क्रेडिट ग्रोथ दिस इज राइट दिस इज द एम क्रेडिट ग्रोथ को रिड्यूस करना एंड रिड्यूसिस टैक्स रेट टैक्स रेट का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है इसमें दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एन इन करेक्ट ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ आईज ग्लोबल हार्बिजर ट्वेंटी ट्वेंटी आप इसका आंसर बताएंगे बहुत ईजी है डू नॉट गेट कंफ्यूज 2021 ट्वेंटी थीम ओके दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे यस, आई होप यू लाइक द सेशन थैंक यू